राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच पर मैं पंडित अरविंद तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कई बार हम किसी के आगे अपना दुख रोते हैं या अपनी तकलीफ किसी को बताते हैं, तो कई बार तो वह हमारी पूरी बात भी नहीं सुनता और कहीं और की बातें, इधर उधर की बातें करके हमारी बात को इग्नोर कर देता है। या कई बार हमें यह सुनने को मिलता है कि भाई तू तो हर समय रोता ही रहता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हमने किसी को अपनी तकलीफ बताने के बाद उससे मदद मांगी तो वह शख्स हमारी मदद भी नहीं करता। दूसरा, धीरे धीरे करके हमसे दूरी बनाने लग पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, इसके बारे में आज मैं इसको ज्योतिषीय कारण के अनुसार आपको बताऊंगा। देखिए, जब हम किसी के आगे हम अपनी तकलीफ रोते हैं या अपना दुख बताते हैं, तो ग्रहों की बात करें तो यह है कि तू खराब की निशानी माना जाता है। यानी कि जिसका भी केतु खराब होगा वह दूसरों से मदद मांगेगा, बेवजह भी या किसी वजह के कारण भी, कुछ भी हो सकता है। किसी के आगे हाथ फैलाना ये खराब केतु की निशानी है। अब उसको मदद मिलती है ये नहीं मिलती ये अलग बात है, ठीक है। अपनी दुखड़ा किसी के आगे रोना ये भी केतु खराब की निशानी है। कई बार तो कोई अच्छे संबंध वाला हमारा कोई मित्र होता है या कोई रिश्तेदार होता है, कोई ताल्लुकदार होता है, हमारी तकलीफ सुन के हमें मदद दे देता है, तो इसका ये मतलब है कि आपका मंगल ठीक है। अब जिसको अपना दुखड़ा किसी के आगे रोने के बाद भी कोई मदद नहीं मिलती, तो उसका मंगल और केतु दोनों ग्रह ही खराब हैं। पहली बात तो ये, हमें किसी के आगे अपना दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। जहां तक संभव हो हमें अपनी तकलीफ, जो मैं ये चार लोग आपको बता रहा हूं, इसके सिवा किसके आगे भी नहीं रखनी चाहिए। पहले नंबर पर ईश्वर, दूसरे नंबर पर माता पिता, तीसरे नंबर पर हमारे गुरुजन, चौथे नंबर पर ज्योतिषी, ठीक है। वो भी आपके कुल का ज्योतिषी हो तो सबसे बढ़िया, यानी कि वो बार बार ज्योतिषी बदला ना गया हो और गुरु भी बार बार बदला ना गया हो, एक गुरु ही हो, उस पर ही ये ज्यादा लागू होगा। तो ये सक्षम है आपकी इस तकलीफ को दूर करने में। और इनके आगे अपना दुखड़ा रोने से किसी किस्म की आपकी ग्रह की खराबी नहीं होती, केतु की, ठीक है। बाकी दुनियावी लोगों के आगे, कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, किसी के साथ पार्क में बैठे हैं या पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं या कहीं पर बिजली का बिल ही अदा करने गए हैं, तो अपनी पूरी राम कहानी दुखड़ा किसी को सुना मारेंगे। अब मेरी बात को एक ध्यान से सुनो कि राह जाता हुआ इंसान आपकी क्या मदद कर देगा, या आपको कुछ क्षणों के लिए मिला कोई शख्स आपकी क्या मदद कर देगा, लेकिन आपके केतु की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी होती है कि आपको अपना दुखड़ा रोने की दूसरों के आगे आदत पड़ जाती है, ठीक है। तो ये जब भी आप करेंगे तो आपका केतु ग्रह खराब हो जाएगा, मदद तो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि केतु दुखड़ा अगर किसी के आगे रोता है तो वो खराब केतु है। अब जब हमने दुखड़ा रोया, खराब केतु को खड़ा किया, तो मंगल की मदद, जो कि मंगल मदद करता है, वो भी आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए ज्योतिष में कहा जाता है कि किसी के भी आगे अपना दुखड़ा ना रोए, श्री रामचंद्र की तरह अपना जीवन जिए। तो जब वह रामचंद्र जी अपने पिताजी के पास आए अपनी शिक्षा और विवाह करने के बाद, तो उन्होंने, यानी कि उनके पिता ने उनसे कहा, बेटा कि अब आपका राज तिलक होगा। उन्होंने कहा, जी पिताजी, ठीक है। परिस्थितियां कुछ खराब बनी, पिताजी ने कहा, बेटा आपको वनवास जाना पड़ेगा। कहते हैं, जी पिताजी। वनवास के लिए निकले तो भाई ने प्रेमवश, भरत जी ने उनके पैर में पहने हुए खड़ाऊ भी पहन लिए कि आपकी मौजूदगी मेरे पास रहेगी तो ये मैं खड़ाऊ यहां पर रखूंगा।
उन्होंने क्षण भर के लिए भी नहीं सोचा कि भाई नंगे पैर हो रहे हैं, और भाई ने भी एक मिनट के लिए ये नहीं सोचा कि मेरे पैर नंगे हो रहे हैं। उन्होंने कहा जी लीजिए, मतलब कि किसी भी तकलीफ को हंसते हुए सहते चले जाना, ये अच्छे केतु की निशानी है। उसके बाद राम जी आगे बढ़ते हैं, पांव में कांटे चुभते हैं, वनवास में पहुंच जाते हैं, किसी तरह का भी कोई शिकवा नहीं, किसी तरह का भी कोई दुख नहीं रोते और अपना संपूर्ण जीवन पूरा करते हैं। एक बार सब कुछ चला जाता है लेकिन बाद में सब कुछ मिल जाता है। तो यही राम जी का चरित्र, चाहे वो प्रभु थे लेकिन उन्होंने उदाहरण तक भी नहीं दिया कि किसी के आगे हमने अपना दुखड़ा रोया। तो इंसान भी भगवान से प्रेरणा लेता है, उनके जीवन से प्रेरणा लेता है। हम तो भगवान को मानते हैं हम लोग इंसान, लेकिन भगवान की एक नहीं मानते, जिसके कारण हमारे ग्रह खराब हैं। तो जब हमने अपना केतु ठीक करना है तो ये जो चार लोग मैंने आपको बताए हैं, इनके अलावा आपने किसी को भी अपनी दुख व तकलीफ नहीं बतानी। राह जाते किसी मुसाफिर को, कुछ क्षणों के लिए मिले किसी इंसान को, बताने से कुछ नहीं मिलेगा। और आपका सामाजिक दायरा, आपके रिश्तेदार हमेशा यही कहेंगे ये तो इंसान हर समय रोता ही रहता है। अब आपको सच्ची तकलीफ भी होगी तब भी मदद नहीं मिलेगी। करके देखिए, जैसे ही आपका केतु धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में किसी प्रकार की भी कोई भी कमी नहीं रहेगी। और जिसका केतु ठीक है उसका राहु अपने आप ठीक हो जाता है और जीवन में सब तरह के सुख, सब तरह के भोग, सब तरह का ऐश्वर्य बढ़ जाता है। तो आज से आप अपने अंतर मन में संकल्प लीजिए, किसी के आगे भी अपना दुखड़ा नहीं रोएंगे, सिर्फ भगवान, माता पिता, गुरु और ज्योतिषी के अलावा। क्योंकि भगवान तो देखिए सबसे ऊपर है, वो आपको हल दे देंगे। माता पिता भी कोई समाधान दे ही देते हैं, गुरु का तो आशीर्वाद ही काफी है, ज्योतिषी भी आपको कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई हल देता ही है। तो इस चीज का ध्यान रखें, अपना केतु अच्छा रखें, किसी के आगे अपना दुखड़ा ना रोए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की जानकारी अगर आप चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, तो चैनल जब भी सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।